हे एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एक्टी रियांश। मैं हूँ प्रियंका। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से रियांश की इस वीडियो में ऑडियो आपको सुनाई नहीं देगी, लेकिन इसके बाद की क्लिप्स में ऑडियो है, तो उसकी स्वीट वॉइस सुनने के लिए लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। एंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज रियांश आपको गिलोय के बारे में भी बताने वाला है। यहाँ पर गिलोय के बारे में उसने बहुत कुछ बोला था, लेकिन मुझे बहुत बहुत दुख हुआ पता चला कि उसमें उसका ऑडियो ही नहीं आ पाया है। मैंने एडिटिंग के टाइम पर देखा। साथ ही मैं आपको इस फैंस स्टाइल के पॉट का भी रिव्यू करने वाले हैं। हमने मीशो से किया 400 रुपीज में आपको 3 पॉट मिल जाते हैं, बहुत ही सुंदर ग्रीन कलर में है। इसमें और भी 2-3 कलर ऑप्शन हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, प्रोडक्ट का कोड मिल जाएगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं। अगर आप अपनी बालकनी के लिए कुछ अच्छे से फाइबर पॉट अगर सर्च कर रहे हैं तो ये पॉट बहुत अच्छे ऑप्शन है। मैंने अमेजन से भी परचेज किए थे लंबे वाले पॉट, ये देख रहे हैं आप साइड में। ये भी थोड़े से मुझे कॉस्टली पड़े थे, लेकिन मीशो पे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मुझे मिल गए ये। और सेम जो रेक्टेंगुलर मैंने अभी मंगाए हैं वो भी अमेजन पे थोड़े से शायद 100 रुपीज़ ज़्यादा थे, मीशो पे आपको थोड़े सस्ते मिल जाएंगे। तो आप चेक कर सकते हैं दोनों ही वेबसाइट पे, मैं दोनों की ही लिंक दे दूंगी यहाँ पर। एंड ये जो गिलोय का प्लांट आप देख रहे हैं, ये जस्ट मैं 2 स्टिक तोड़ के लेके आई थी मम्मी के यहाँ से, और जो एक्चुअली मैं हरिद्वार से लेकर के आई थी 6 साल पहले। एंड इसकी स्टिक्स को जस्ट आप पॉट में लगा देंगे तो 15 डेज में इसमें लीव्स फूट जाती हैं, इसकी बडिंग हो जाती है एंड बहुत ही जल्दी ग्रो करता है। रियांश यहाँ पर गिलोय के बारे में बहुत कुछ बता रहा था, वो क्लिप नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है इस बात का। उसने कहा था कि ये बहुत कड़वा होता है, मैं नहीं खा सकता हूँ, लेकिन ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, इसलिए मैं इसकी टैबलेट्स खाता हूँ। अभी जब बड़ा हो जाऊंगा तो मैं इसकी स्टिक्स को भी चबाऊंगा। एंड नीचे वो बबुल के ट्रीज वगैरह दिखा के उसकी भी आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज बता रहा था। पॉट पे होल आपको खुद करने पड़ेंगे, रियान बता रहा है कि होल क्यों करना चाहिए। बहुत कुछ कुछ का नाम नहीं पता। इसका नाम है राजगिरी, इसका नाम है तुलसी, इसका नाम है तरने। तुलसी उसका आपने तुलसी बोल दिया, उसका नाम क्या है? मैं भूल जाता हूँ ना, दुर्बा, वो तो आपको पता ही होगा, ये अलग का पाम है। और वो क्या लगाया है? अब मैं आपको प्लांट्स के नाम बता देता हूँ। ये गिलोय जो सभी जगह को बांध लेती है, अगर किसी जगह पे हाँ अगर कोई स्टिक को लगा दिया। आप ये देख नेक्स्ट प्लांट, आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट बता दो। नेक्स्ट प्लांट ये एरिक का पाम। कौन सा पाम? एरिक का पाम भी तो बड़ा नहीं हुआ है। नेक्स्ट टर्निप। ओ, ये टर्निप आपने लगाया है? हाँ, मेरी मर्जी से लगाता हूँ मैं। घर के सारे प्लांट्स, घर में जो भी सीड्स आते हैं वो सब लगा देते हो आप? सौंफ, जीरा, राई, सरसों, इलायची। हाँ, मुझे बस खिला के लगा देते हो सब कुछ? नहीं, मैं लगाता इसलिए हूँ क्योंकि फिर जरूरत नहीं पड़ती है ना वापस चलाने की। ओके, नेक्स्ट प्लांट। नेक्स्ट करने के बाद नेक्स्ट आता है मिंट ट्री। जी, इधर भी है मिंट ट्री, इधर थोड़ी सी लगा दी। और उसके बाद नेक्स्ट मतलब ये, बट रुको मेरी बात सुन लो। अरे मेमोरी फुल हो जाएगी आपसे बात से, खत्म होगी। नेक्स्ट प्लान बता दो। नेक्स्ट प्लान दुर्बा। ओके, एंड नेक्स्ट राजगिरी, एलोवेरा और ककड़ी। ककड़ी भी लगाई आपने? हाँ, ये देखो ककड़ी का, इसके छोटे छोटे बीज भी आ गए। पता ही नहीं चलता आप कब चुपके से सब लगा देते हो। चुपके से लगा दी, मुझे भी पता नहीं चला था, मैंने पता नहीं कब लगा दिया। नेक्स्ट ये सब वाली भी। हाँ, और इधर अंदर जो है ना, इधर जो अंदर है ना, ये है आपको तो जिंजर। नेक्स्ट ये और एक कड़ी पत्ता और इस साइड पे ये सब शो प्लांट्स लगाते रहते हैं। हाँ, ये सब शो प्लांट्स हैं। ये मारी प्लांट है और ये है स्पाइडर, और ये स्पाइडर ट्री है, ये स्पाइडर जैसा दिखता है, स्पाइडर वेब। नेक्स्ट नेक्स्ट ये
इसको इसका नाम तो आपको पता ही होगा ना, आपको पता है ये एक्सोरा मींस ये रेड एक्सोरा है। इधर इधर येलो एक्सोरा लगा है ये वाला, ये जो है। चलो ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट ये। चलो अभी पॉट हम दिखा देते हैं। ये पॉट में हमने प्लांट्स लगा दिए हैं, इसमें फ्लावर प्लांट्स बहुत सुंदर लगते हैं, है ना। हाँ ये देखो, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना और सब्सक्राइब करना। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।